हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरके विद अव्युक्त। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो भी डायपर के ऊपर ही होने वाला है। मैं आज एक और डायपर का रिव्यू देने वाली हूँ और ये डायपर जो है वो प्लास्टिक डायपर है। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा डायपर है, किस ब्रांड का है, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो आज मैं इस डायपर की बात करने वाली हूँ, लिटिल एंजल डायपर। ये दो उसमें अवेलेबल है, एक ग्रीन और एक ब्लू। मैं ब्लू वाला यूज़ कर रही हूँ तीसरी बार मेरा है। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया है, ये मुझे डिस्काउंट में मिला था और मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है। अभी भी टैग लगा हुआ है फ्लिपकार्ट का, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से लिया है। और इसके फ्रंट की पहले मैं बात करूँ तो ये ऐसा दिखता है। एल साइज़ मैं अपने बेबी के ऊपर एल साइज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो अभी वन ईयर से ऊपर हो गया है, 14 मंथ का हो गया है, तो उसको एल साइज़ कंफर्टेबल है। और तो इसमें मुझे 62 पैंट्स मिले हुए थे और मुझे डिस्काउंट में मिला था। इसका प्राइस मैं आप लोग को बाद में बताऊँगी कि मुझे कितने का मिला था। ईजी ड्राई पैंट्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये लॉन्ग लास्टिक एब्जॉर्प्शन है। ये इन्होंने एकदम जो भी लिख के दिया है ये एकदम सही बात लिखी हुई है, क्योंकि ये मैं इसको नाइट में पहना देती हूँ, 9 या 10 के आसपास पहना देती हूँ। और सुबह ना कभी कभी मुझे काम करते करते लेट हो जाता है तो ये डायपर पहने रहता है, बट लीकेज कहीं से भी नहीं होता है। तो 12 आवर तो है एब्जॉर्प्शन इसमें, ये चीज़ एकदम सही है। और एडवांस और दूसरा इन्होंने जो एडवांस्ड लीकेज प्रोटेक्शन की बात बोली है वो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लीकेज तो बिल्कुल भी नहीं होती है। लीकेज प्रोटेक्शन तो बहुत अच्छा है, ये भी बात इनकी सच है। तो ये दोनों चीज़ें इनकी सच ही हैं, ऐसा ही नहीं है कि बस ऐसे ही लिख दिया। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा ही कि ये जो डायपर्स लिटिल एंजल ब्रांड का है कितना यूज़फुल है, कितना अच्छा है, बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। आप लोग बिना सोचे समझे इसे ले सकते हैं, बिल्कुल भी मत सोचे कि लीकेज होगा, रैशेज होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छा डायपर निकला मुझे, मैं यूज़ कर रही हूँ, वन ईयर से ऊपर हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी, अच्छा है डायपर। और बात करें इसकी, इन लोगों ने इसमें तीन चीज़ें बताई हुई हैं, एडवांस प्रोटेक्शन, एडवांस एब्जॉर्प्शन, एडवांस कंफर्ट। तो इन लोगों ने ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत सच बोली हैं, इन ऐसे ही नहीं पैकेट पे लिख दिया, क्योंकि ये तीनों चीज़ें वर्क प्रॉपर करती हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो भी एकदम, उसके लिए भी थम्सअप है। और कम्फर्ट की बात करें तो वो भी थम्सअप है। और प्रोटेक्शन की बात करें वो तो है ही, बच्चा बिल्कुल भी वो नहीं फील करता है कि अरे कोई कभी कभी डायपर की वजह से भी बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपना हाथ से डायपर खींचने लगते हैं या फिर इधर उधर खुजलाने लगते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो बहुत ही अच्छा डायपर है। और ये मुझे जब रिसीव हुआ था तो 549, देखिए अभी भी बिल मेरे पास इसमें लगा हुआ था, 549 में मुझे रिसीव हुआ। बात करें इसकी MRP की, तो MRP इसमें 1099 रुपये की है, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे ऑफर में मिल गया था। तो आप इसे ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी। ये मेरा फ्लिपकार्ट का है, देखिए अभी भी इसमें टैग लगा हुआ है फ्लिपकार्ट, तो ये मुझे फ्लिपकार्ट से मिला था, ईजिली मिल गया था। और अब हम इसकी लास्टिक की बात करते हैं, तो लास्टिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अभी तक मेरे बेबी को इससे कभी भी रैशेज या फिर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, क्योंकि इतनी सॉफ्ट है। तो ये मैं बता रही हूँ आप लोग को, ये तीसरा मेरा पैक है, क्योंकि और मैं बड़ा ही पैक मंगवाती हूँ हमेशा, तो आप लोग सोच सकते हैं कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अफोर्डेबल है, हम लोग ले सकते हैं, इजिली ले सकते हैं, क्योंकि इतना महंगा भी नहीं है और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और बात करते हैं इसके अंदर की, तो इसके अंदर बिल्कुल प्लेन है, कोई भी निशान या फिर कोई मार्क वैसा कुछ भी नहीं है या फिर बबल्स जैसे दिए होते हैं, बट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, लीकेज प्रॉब्लम नहीं है। आप यूज़ कर सकते हैं, बिना सोचे समझे इसको खरीद सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा ही आज का मेरा वीडियो, आज का डायपर के ऊपर जो रिव्यू था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि ये कैसा है, कैसे वर्क करता है, अच्छा है या बुरा है, जो भी था मैंने आप लोगों को सब सच बताया है। और ये डायपर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि एक बार आप अपने बेबी के ऊपर ट्राई करें, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि ऐसे तो सामने वाला कुछ कुछ भी बोलेगा तो लोगों को लगेगा कि अरे ऐसे ही है, बट ये अच्छा है।
तो ये था मेरा आज का वीडियो डायपर के ऊपर, जो भी रिव्यू था वो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।